हमारे शास्त्र कहते हैं जयंती ते सुकृतिनः असिद्धा कवीश्वरा नौ तेषाम यश काये जरा मरण जम भयम, कभी नहीं मरती है। यश काय उनकी हमेशा जीवित रहती है, उसको कभी भी मरने का और बुढ़ापा। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार। टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के नागरिक प्रचाड़ी में मौजूद है और हमारे पीछे कुछ लोग हैं। यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा था और क्या हो रहा था पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। कैसा यहाँ कार्यक्रम हो रहा था? ये कार्यक्रम हमारे नागरी प्रचारणी सभा के दो बार मंत्री और दो बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर सुधाकर मणि त्रिपाठी जी के दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा था और ये कार्यक्रम लगभग 2 बजे शुरू हुआ है, अभी 6:15 बजे के आसपास खत्म हुआ है। बहुत लंबा कार्यक्रम चला। हाँ, चूँकि उनके जानने वाले इतने ज़्यादा लोग थे और सबकी अपने अपने संस्मरण थे और बताने में उनका समय लगा। कुछ कवि भी आए थे, इन्होंने अपनी अपनी उनके ऊपर लिखी हुई कविताएं भी अर्पित की और इन सब चीज़ों को ऐसा समय बहुत लग गया। चलिए सर, और लोगों से बात कर लें। बाबा, आपका क्या नाम है? आद्या प्रसाद शुक्ल। आप भी, आपका भी उम्र अब काफ़ी ज़्यादा हो गया जी है और आज उस तिथि में आए थे आप जी। तो क्या कुछ शोक संदेह देना चाहेंगे? हम लोगों ने उनके जाने में ये महसूस किया कि जैसे कुछ हम लोगों का छीन लिया गया हो। उम्मीद से हट के दुर्भाग्यवश, जिसको हर कोई स्वीकार करता है इसलिए कि उसके पास स्वीकार करने के अतिरिक्त और कुछ शेष नहीं बचता है। ग्रंथों में भगवान का नाम एक काल भी दिया हुआ है, काल कभी रुकता नहीं और उसकी गति में जो कुचल गया। हम कितना भी उसके लिए शोक मनाएं, ये सब लोगों को उनके परिवार से मेरा अभिप्राय है, सामाजिक परिवार, संस्थागत परिवार और उनका अपना परिवार और यहाँ का उनका नागरी प्रचारणी से संबंधित जो साहित्यिक लोग हैं, कवि हैं, ये सारा का सारा परिवार बहुत उसने महसूस किया। लेकिन उसके वो वही जो मैं कह रहा हूँ कि महसूस करने के अतिरिक्त उसके पास कुछ बचता नहीं है, लेकिन खलता तो है। तो उस खलने को आदमी बड़े लंबे समय से इसी तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से धीरे धीरे भुला नहीं सकता है, याद ही करता रहेगा। चलिए सर, चाचा आपका क्या नाम है? मैं आचार्य परमेश्वर जोशी, अध्यक्ष नागरी प्रचारणी सभा। आज पूरे यहाँ जितने लोग आए थे सारे लोग भावुक हैं, कहीं ना कहीं सबको आज एक दिन ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ज़्यादातर याद किया जाता है जो अपने एक विचार छोड़ जाते हैं, एक अलग विचारधारा के होते हैं, जो समाज में एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अलग दृश्य बन जाता है और उन्हीं को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं। और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे सुधाकर मणि त्रिपाठी जी को? ये हमारे शास्त्र कहते हैं जयंती ते सुकृतिनः असिद्धा कवीश्वरा नौ तेषाम यश काये जरा मरण जम भयम। जो लोग रसिद्ध कवि हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं और उपकार करना जिनका लक्ष्य होता है, वह जो है उनको उनकी जो यश काय होती है वो कभी नहीं मरती है। यश काय उनकी हमेशा जीवित रहती है, उसको कभी भी मरने का और बुढ़ापे आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जो लोग कुछ समाज के लिए काम करते हैं, जो लोग अपने से ऊपर उठ करके अपने परिवार से ऊपर उठ करके काम करते हैं, तो उनको व्यक्ति याद करता है, देश याद करता है, समाज याद करता है। सुधाकर मणि त्रिपाठी जो थे वो मेरे गुरु भाई थे, उम्र में अंतर है, करीब मेरे से 10 साल छोटे रहे होंगे। तो उस समय वह जो है मेरे उनके पिताजी भी मुझको पढ़ाए हुए थे, पंडित जटाशंकर मणि त्रिपाठी जी और दूसरे पंडित श्री हर्ष द्विवेदी जी थे, जिन्होंने उनको भी तैयार किया और मुझे भी तैयार किया समाज का कार्य करने के लिए, साहित्य का कार्य करने के लिए। और तो इसमें दोनों सफल रहे।
वो नागरी पिछाड़ी सभा के मंत्री बने और पूरा सबने उनको सहयोग दिया, क्योंकि उनका लक्ष्य जो था वह निस्वार्थ भाव से संस्था को आगे बढ़ाना था। हमारे यहाँ नियम है कि दो बार से ज़्यादा कोई मंत्री पद पर नहीं रह सकता है, तो दो कार्यकाल अर्थात 7 वर्ष करीब जब उनके पूरे हुए तो फिर वो मंत्री तो रह नहीं सकते थे, फिर चुनाव अध्यक्ष का भी होना था। हम लोगों ने प्रयास किया उसमें, और मेरा विशेष रूप से उनको आग्रह था कि नहीं आप अध्यक्ष भी बन करके कार्य करिए, और उन्होंने 2 टर्म अपना अध्यक्ष का भी पूरा किया और अच्छा कार्य किया, इसलिए आज जो लोग आए हैं सब उनका गुण गाते हैं, और निस्वार्थ कार्य किया, संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, यद्यपि वो स्वस्थ थे, अभी उनको जाने का उनका समय नहीं आया हुआ था, लेकिन कहीं असावधानी से, डॉक्टरी गलती से, या प्रारब्ध जो कहिए, जिस भी कारण था, उनकी जो है असमय में वो हम लोगों से छूट करके विलग हो गए, उसका हम लोगों को बहुत कष्ट है। और सब लोगों के साथ में उनका व्यवहार था, उस व्यवहार के नाते सब लोग जो आज इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं, वो सभी लोग अपना अनुभव बता रहे थे जो उनके साथ में बीता है, और वो श्रेष्ठ पुरुष थे, अच्छे पत्रकार भी थे, अच्छे शिक्षक थे, अच्छे समाज का कार्य करने वाले थे, संस्थाओं को आगे बढ़ाने वाले थे, ऐसे व्यक्ति तो याद किए ही जाएंगे। ठीक है सर। सर आपका परिचय जानकर उसके बाद क्या आज तो पूरे लोग भावुक हैं, क्योंकि हम खबर तो बहुत सारे करते हैं दिन भर में, आज 2-3 खबरें हो गई हैं, लेकिन कभी कभी खबर करते समय आदमी भावुक हो जाता है, क्योंकि खबर ही ऐसा है जो भावुक बना देता है, तो कैसे श्रद्धांजलि देना चाहेंगे उनको? ऐसा है कि स्वर्गीय श्री सुधाकर मंत्री त्रिपाठी मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, वह पढ़े लिखे आदमी थे, वो परिवार के लिए, समाज के लिए और नारी पिछाड़ सभा के लिए वह अति काम करने वाले थे, अच्छी तरह से काम करते हैं। उनका स्वर्गवास जो है अपूर्ण क्षति है, वो उसकी पूरी करना असंभव लगता नहीं है, लेकिन तभी बहुत कठिन करना पड़ता है, किसी को भी करना बहुत करना मेहनत करना पड़ेगा, तो उसकी क्षति पूरी होगी। मैं इसके साथ मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, बस बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही है वो स्वर्गीय सुधाकर मणि त्रिपाठी जी, इनका जन्म 25 जनवरी 1953 में हुआ और स्वर्गवास 19 मार्च 2021 में हो गया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे विचारधारा के होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो समाज में एक छाप छोड़ जाते हैं, और उन्हीं के लिए ये याद करते हैं। और इतने कवि आए थे यहाँ, हम तो जब आए तो खबर बनाने नहीं आए थे, हमारे पीछे जो कैमरा पकड़े हमारे सहयोगी जो इनके लड़के हैं जो जिनका स्वर्गवास हो गया है करण जी, हमें बुलाए थे वैसे ही चले आए थे, लेकिन हमने सोचा कि क्यों नहीं इसे खबर में तब्दील किया जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को खबर में तब्दील होना ही चाहिए, और ऐसे लोग कभी मरते नहीं हैं, हालांकि सबके दिलों में जिंदा हैं। देखिए मैं भी इनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं आज, और बार बार देता रहूंगा। देखिए टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, यूट्यूब पर जाकर @TVSamachar लिखें, वहां से लिखकर सर्च करें और सब्सक्राइब करें। विभाग पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार। Thank you.